आज मिले उस हुनर के बादशाह से जिसे चार तरह की मिट्टी को पानी में मिलाकर के करी वो कलाकारी और बनाया उससे ऐसा अनोखा प्रोडक्ट। इसको बनाने के लिए जहाँ बांस के छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं वहीं सूखी घास पर धागा लपेटा जाता है, जब जाके कहीं ये बनकर तैयार होता है। आखिरकार क्या है ये अनोखी कला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रंजीत मद्देसिया है। तो चलिएगा स्टेप बाय स्टेप हमारे को बताते हो चलेगा। सबसे पहले स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है हमारा जो बम्बू है, यानी कि इसको बांस बोलते हैं, इसको टेक्सचर दिया जाता है। जैसा एंगल होता है उसी हिसाब से इसको टेक्सचर दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे भैया खड़े हैं, इन्होंने फूस ले लिया है जो गेहूं का होता है, धान का होता है, ठीक है। सूखने के बाद आपके पास आता है, इसको धागे की मदद से टाइट करके उसको लपेटा जा रहा है। इसको अलग अलग पार्ट में बनाएंगे, पार्ट बनाने के बाद उसके बाद इसको टेक्सचर पे ज्वाइंट करें। तो ये टेक्सचर अभी सभी रेडी हो गया है जी। रेडी होने के बाद इस पे मिट्टी का लेप दिया जा रहा है। मिट्टी का? बिल्कुल काली मिट्टी होती है, पोखरे से आके आती है। अच्छा, यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे आ जाएगी? हाँ, यहाँ पे इसको शेप दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली कौन सी मिट्टी लग रही है अभी? ये वाली पीली मिट्टी लग रही है, खेत की मिट्टी लग रही है। ओके, तो ये कितने टाइम पहले आपको रखनी पड़ती है भिगो के? ये भिगो के हफ्ता 10 दिन पहले रखना पड़ता है। इसकी हाइट कितनी होगी मूर्ति की? इसका हाइट होगा 11 फीट। और कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी वैसे? ये तो ऐसे तो हफ्ता 10 दिन लग जाता है टाइम। ठीक है, उसके बाद आपको एक मिट्टी दिखा रहे हैं जो बालू मिट्टी कहते हैं, जिससे हम फिनिशिंग देते हैं, मूर्तियों का फिनिशिंग देते हैं। इसको भी हम लोग हफ्ता 10 दिन पहले से बना के रखते हैं। पूरा का पूरा इसको बालू मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा? बालू मिट्टी होने के बाद सूती कपड़ा से लेमिनेशन किया जा रहा है इस पे। देखिए ये मिट्टी का घोल है जो काली मिट्टी की घोल है, कपड़ा को इसमें डाल के भिगोया जाता है और फिर उसके साथ इसको चिपकाया जाता है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग अजंता पैटर्न कहते हैं या मिट्टी वर्क भी कहते हैं। इसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है। अभी तो हमारी मूर्ति बन के रेडी नहीं हुई है, आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, अभी इस पे कार्य चल रहा है जी। इसको बनाने में हमें लमसम 28 दिन का टाइम लग गया है। 28 दिन का टाइम अभी लग गया है? अभी लग गया है, इसके बाद भी 10 दिन का टाइम और इसको रेडी करने में लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कलर की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन बड़ी मूर्ति में भी कलर नहीं कर सकते, उनमें कलर करने में टाइम लगेगा। तो हम आपको दिखा देंगे छोटी मूर्ति में जिस तरह से कलर होता है, बड़ी मूर्ति में भी कुछ इसी तरीके से कलर होता है। ये यहाँ पे कम्प्लीट है। क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? ये हम पेंटिंग कर रहे हैं, टेराकोटा का नाइट लैम्प है। तो मैं जानना चाह रहा था इसको बनाते कैसे हैं फिर? देखिए हमारी काली मिट्टी होती है जिससे टेराकोटा का सामान रेडी किया जाता है। अभी चला जाएगा मोटर चाक पे। मोटर चाक पे इसको आकार दिया जाएगा अच्छे से, मोटर की वजह से चाक घूमता रहेगा जी, जी, उसको जी। एक आकार मिलता रहेगा। ठीक बनाने है, बनाने के बाद इसको हम लोग धूप में रखते हैं, फिर इसको भट्टी में रखा जाएगा। इसको भट्टी से निकलने के बाद हमारा इस शेप का हो जाएगा फाइनल, होने के लिए कलर होने के लिए जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, पेंटिंग होने के लिए आप देखेंगे कि पेंटिंग होने के बाद हमारा इस तरह का, और भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी रखी हुई है, थोड़ा बताइए इनके बारे में। देखिए ये जैसे म्यूजिक गणेश है ये देखिए। तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है इसमें? जी हमारा कांटेक्ट नंबर से संपर्क कर सकता है। कांटेक्ट नंबर हमारा होगा 88 87 91 12 10 और हमारा पता होगा गुलरिया बाजार गोरखपुर। भाइयों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।